दोस्तों, मैं जयराम प्रजापत विटी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जो इस चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। देखिए, अपन पढ़ेंगे ऊंचाई आज, है ना। ऊंचाई का जो चैप्टर है वो अपना त्रिकोणमिति से संबंधित करके कैसे पढ़ते हैं अपन। एक तो आपको इसके अंदर टेबल के जो मान है वो टेन थीटा और साइन थीटा वाले और कॉस थीटा वाले सभी टेबल पूरी कंप्लीट याद होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अंदर तीन वर्ड आते हैं आपके। एक शब्द आता है आपका दृष्टि रेखा। क्या आता है? दृष्टि रेखा। एक आता आपका उन्नयन कोण। क्या आता है? उन्नयन कोण। और इस उन्नयन कोण को भी कहते हैं अपन उन्नति कोण। और इसी का तीसरा नाम है उन्तास कोण। कौन सा? उन्तास कोण। कंफ्यूज नहीं होना अगर ये तीनों नाम में से कोई सा भी नाम आ जाए तो। और एक आता आपका अवनमन कोण। कैसा कोण? अवनमन कोण। और इसका नाम है दूसरा अवनति कोण। क्या है? देखो, इनके बारे में आप विस्तार से देखो कि एक होता है आपका दृष्टि रेखा। ये दृष्टि रेखा क्या होती है? दृष्टि रेखा होती है, जैसे सपोज मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरी आँख इस जगह, मैं इस जगह से कहाँ चाहे तो ऊपर देख रहा हूँ चाहे मैं नीचे देख रहा हूँ। जहाँ पे भी जिस चीज़ को मैं देख रहा हूँ, जिस वस्तु को देख रहा हूँ, उस वस्तु के साथ में जो मेरी वो रेखा बनेगी वो क्या कहलाएगी? आपकी दृष्टि रेखा। जैसे सपोज मान लो कि यहाँ पर मेरी आँख है, इस आँख से मैं अगर यहाँ ऊपर देख रहा हूँ इस तरफ, और यहाँ पर अगर मान लो कोई है वस्तु पड़ी है, तो ये जो रेखा बनेगी इस वस्तु के साथ में मेरी आँख की डायरेक्शन के अंदर वो क्या कहलाएगी? आपकी दृष्टि रेखा कहलाती है। केवल इतना याद रखना आपको। एक आता आपका उन्नयन कोण या उन्नति कोण या उन्तास कोण। तो ये किस कंडीशन में बनता है आपका उन्नयन कोण या उन्नति कोण या उन्तास कोण? देखो, आप एक डायरेक्शन याद रखो। जैसे कि सपोज मान लो ये आपकी क्षैतिज रेखा है। किसी रेखा है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा का मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे साथ में ये जो रेखा बन रही है नीचे फर्श के ऊपर, ये क्या कहलाती है? अपनी क्षैतिज रेखा। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये जो ऊपर डायरेक्शन है वो क्या कहलाती है? ऊर्ध्वाधर रेखा। जो सीधी स्ट्रेट बन रही है वो क्या कहलाती है? ऊर्ध्वाधर। और जो आपकी इस प्रकार से फर्श के ऊपर बनेगी वो क्या कहलाएगी? अब अगर ये क्षैतिज रेखा है, इस क्षैतिज रेखा से अगर सपोज मान लो मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, जैसे कि मेरी यहाँ पर आँख है इस जगह, इस आंख से मैं क्या, इस जगह से मैं अगर यहां पर वस्तु है कोई भी, तो इस क्षैतिज रेखा के साथ और दृष्टि रेखा के साथ में जो कोण बनेगा थीटा, वो थीटा क्या कहलाएगा? आपका उन्नयन कोण। कौन सा कोण कहलाएगा? उन्नयन कोण। तो जो क्षैतिज रेखा है, इस क्षैतिज रेखा के साथ में और वस्तु के साथ में जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। किस स्थिति में? ऊपर की ओर। जब वस्तु इस क्षैतिज रेखा से कब हो? ऊपर हो। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से खड़ा होने के बाद में सपोज मान लो मैं किसी टावर को देख रहा हूँ, मेरे से ऊंचा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे से ज़्यादा ऊंचाई के अंदर कोई पेड़ है, मैं इस जगह खड़ा होकर उस पेड़ को देख रहा हूँ, तो इस मेरी आँख के साथ में पेड़ के साथ में जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। या मैं यहाँ पे खड़ा होकर अगर टावर को देख रहा हूँ तो टावर के साथ में जो दृष्टि रेखा बन रही है मेरी, तो जो मेरी आँख है इस आँख की डायरेक्शन से लेकर के उस टावर के साथ में जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। इसी प्रकार से आता आपका एक अवनमन कोण या अवनति कोण। ये कब किस स्थिति में बनता है? जैसे कि मान लो ये आपकी क्या है? क्षैतिज रेखा। कैसी रेखा है? अब मान लो कि मेरी आंख है इस जगह पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि नीचे की तरफ देखता हूँ वस्तु, अगर मान लो नीचे, सपोज मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, खड़ा होने के बाद में, या मैं किसी पुल के ऊपर खड़ा हूँ, नदी के ऊपर, पुल के ऊपर खड़ा होकर नदी के मैं नीचे अंदर, नदी के अंदर जो नाव चल रही उस नाव को देखता हूँ, तो ऊपर से मैं नीचे देखूंगा और मेरी आंख तो इस यहाँ पे इस पोजीशन में, तो क्षैतिज रेखा यहाँ पे है, क्षैतिज रेखा से मैं कहाँ देखूंगा? नीचे की तरफ। कहाँ? किसकी तरफ?
नीचे की तरफ, कहने का मतलब क्षैतिज रेखा से नीचे मतलब खड्डे की तरफ देखना है। तो एक क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा से मैं कहाँ बनाऊँ देखूंगा नीचे, तो दृष्टि रेखा मेरी वस्तु के साथ में, तो ये जो कोण बनेगा थीटा, ये क्या कहलाएगा आपका अवनमन कोण या अवनति कोण कहलाएगा। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अवनमन कोण और अवनति कोण हमेशा क्या होता है, अवनमन कोण और अवनति कोण या उन्नयन कोण, ये क्या होते हैं आपस में हमेशा बराबर होते हैं। और बराबर क्यों होते हैं इसका एक रीजन है। सपोज मान लो एक क्षैतिज रेखा के साथ मैंने ये उन्नयन कोण बना दिया, ठीक है, इस जगह ये ऊपर की तरफ देख रहा, मान लो कि यहां तक, अब इसकी डायरेक्शन में एक क्षैतिज रेखा हो गई या नहीं हो गई। अगर मैं यहां से भी अगर देखूं नीचे, तो यहां से अगर ये कौन सा हो गया अवनमन कोण, और ये कौन सा कोण हो गया उन्नयन कोण, तो एकांतर कोण हो गए नहीं हो गए, दोनों समांतर हो गई। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, जब एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं तो उन्नयन कोण और अवनति कोण भी आपस में एकांतर कोण है, तो इसलिए उन्नयन कोण और अवनयन और अवनमन कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये चीज आप क्या करोगे याद रखोगे। देखो आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के बारे में आपको और पता होना चाहिए, है ना। समकोण त्रिभुज क्या होता है कि जिसका कम से कम एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ये आपका जैसे समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज के अंदर ये कोण आपका कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। ये त्रिभुज आपका जैसे ABC। तो हमेशा ध्यान रखो कि आप अगर कोण जो होता है थीटा, उस कोण थीटा के आधार के ऊपर लंबकरण आधार का निर्धारण किया जाता है। जबकि अगर कोण या थीटा दे रखा और आप पढ़ के क्या आते हो, ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है, जो कि 100% गलत है पूरा सरासर। हमेशा कोण के आधार के ऊपर लंब कर्ण आधार का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। अगर मान लो समकोण त्रिभुज है ये इस प्रकार से, और अगर इसका कोण ये वाला थीटा दे रखा है, और ये अगर 90 डिग्री है अपना समकोण त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज ABC, तो ये कोण अगर थीटा है ना, तब ये क्या होता है आपका लंब होता है, और ये क्या होता है आधार, और ये वाली भुजा ऐसी क्या होती है आपकी कर्ण होती है। क्योंकि जो कोण थीटा होता है उस थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है हमेशा लंब होती है, और जिसके जिस दो भुजाओं के साथ में 90 डिग्री का कोण बन रहा है या जिन दो भुजाओं के साथ में कोण बन रहा है वो क्या होता है अपना आधार, और जो शेष बची हुई भुजा वो क्या होती है अपनी कर्ण होती है। तो यहाँ पर कोण अगर थीटा अगर ये दे रखा है तो इस कोण के आधार पर ये क्या होगी सामने की भुजा लंब होगी, और ये भुजा कौन सी हो जाएगी आधार। क्यों कि 90 डिग्री का कोण किसके साथ में बन रहा है, इस भुजा के साथ में बन रहा है, और जो शेष भुजा बची वो क्या हो जाएगी आपकी कर्ण हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी, कर्ण का स्क्वायर जो पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां से आपको कोई भी दो चीजें दी हुई रहेगी, लंब दिया रहे हो सकता है, आधार दिया हो सकता है कर्ण का मान निकालना, या कर्ण दिया हो लंब दिया हो तो आधार का मान निकाल सकते हो। तो डायरेक्ट आप ये कि यहाँ से निकाल लेना, कर्ण बराबर हो जाएगा आपका रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोनों में से आप क्या करोगे, ये जो फर्स्ट है आपको इसी को याद रखना केवल, और यहाँ से पक्षांतरण करके आप मान निकालना, ठीक है। इसके बाद में आपको एक चीज और याद रखनी है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा और कोस थीटा बराबर क्या होता है और टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा आधार। ये तीन चीजें याद रखोगे, अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, और अगर ये तीनों याद नहीं रहता है तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। अब एक चीज याद रखना केवल, LAL अपॉन KKA, जिसको क्या बोलते हैं अपन लाल बटा कक्का, याद रखते हैं ना शॉर्ट में। तो इसके अंदर L अपॉन K, तो L का मतलब कितना हो गया लंब, और K का मतलब क्या हो गया कर्ण। अब आप इनको क्रम से लिखना है, ऊपर तो क्या लिखोगे आप साइन थीटा, आगे कोस थीटा, और फिर टेन थीटा। बस इनको याद रखो आप कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण,
कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब टेन का उल्टा क्या होता है? कोट, तो कोट को लिख दो आप नीचे कि कोट थीटा बराबर क्या आएगा? आधार बटा लंब, इसी का उल्टा कर दो। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या जाएगा? कर्ण बटा आधार। और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या जाएगा? कर्ण बटा लंब। केवल ये चीजें आपको याद रखनी, क्लियर यहां तक? अब पढ़ते अपन टाइप फर्स्ट, कि टाइप फर्स्ट के अंदर किस प्रकार के सवाल आते हैं वो देखो आप। सपोज मान लो आपको दे रखा हो कि कोई भी मीनार दे रखी है या कोई भी खंभा दे रखा है, उस मीनार या खंभे की ऊंचाई दे रखी हो सकता है। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि ये खंभा है, इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है अपने को, क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी हो। जबकि इस खंभे का जो आधार है, खंभे का शीर्ष कौन सा हो गया? ये वाला भाग खंभा, इसका शीर्ष। उस खंभे का पाद बिंदु कौन सा हो गया? पाद बिंदु या आधार बिंदु। अब इस खंभे के पाद बिंदु या आधार बिंदु से जो कोई एक यहां पर एक बिंदु है, उन दोनों के बीच की दूरी मान लो दे रखी हो 100 मीटर। कितने मीटर? 100 मीटर। और इसके साथ में इस खंभे का जो शीर्ष है, इस खंभे के शीर्ष के साथ में जो इसका कोण बन रहा है, वो बन रहा है मान लो 30 डिग्री का, तब इस खंभे की ऊंचाई पूछ रहा हो, तब कैसे याद करोगे आप? कुछ भी नहीं याद रखना आपको, दोनों के अंदर जो भुजा दे रखी, जो जिसके अंदर संबंध है, उन दोनों में संबंध देखो। अगर ये ऊंचाई दे रखी है और ये कोण 100, इधर ये भुजा दे रखी है आपको माप 100, कोण कौन सा दे रखा आपको? कि उन्नयन कोण बना रहा है, किसके साथ में? शीर्ष के साथ में। तो उन्नयन कोण ये भी बनेगा 30 डिग्री का। अब आपको देख क्या रखा है, अगर ये कोण 30 डिग्री, इसका मतलब थीटा हो गया। जब ये कोण थीटा, तो थीटा के सामने की भुजा क्या हो गई? लंब हो गई या नहीं हो गई? और ये नीचे वाली भुजा क्या हो गई आपकी? आधार। और ये भुजा क्या हो गई आपकी? कर्ण हो गई ना। तो अब देखो किस किस भुजा के साथ में लंब और आधार में संबंध आ रहा है या नहीं आ रहा है, और लंब और आधार में संबंध किसके अंदर आता है? टेन थीटा में आता है नहीं आता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, यही होता है। तो टेन थीटा का मतलब थीटा का मान कितना डिग्री दे रखा है अपने को? 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना दे रखा अपने को? एच, जो कि अपने को ज्ञात करना है। अरे एच निकालना है अपने को, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और आधार, आधार कितना दे रखा आपको? 100 मीटर। अब देखो टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3। तो टेन 30 का मान लिख दोगे आप 1/√3 बराबर एच बटा 100। तो एच बराबर कितना आ जाएगा आपका? 100/√3। तो खंभे की ऊंचाई कितनी आएगी? 100/√3। और √3 का मान कितना होता है? अगर दशमलव में अगर मान आ रहा हो तो √3 का मान होता है आपका 1.732। इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। अब प्रत्यर्पण, ये तो हो गया अपनी बेसिक चीज, बेसिक अपन हल कैसे करते हैं। अगर आपको ट्रिक से याद करना हो, ये बता रहा हूँ 100 ट्रिक आपको, और इतनी 100 ट्रिक है खतरनाक वाले, है ना। सवाल का उत्तर आ जाता है मात्र 5 सेकंड के अंदर, कुछ भी हल नहीं करना आपको। केवल आपको 2 समकोण त्रिभुज याद रखने, कितने? 2। देखो इसके अंदर प्रत्येक खंभा आएगा या कुछ भी आएगा, इसमें समकोण त्रिभुज बनेगा। खंभा कभी ऐसे टेढ़ा खड़ा होता है क्या? सीधा स्ट्रेट 90 डिग्री पे खड़ा होगा। मान लो कि कोई मीनार आएगी, तो मीनार कभी ऐसे 20 डिग्री पे बनेगी, बनती है क्या कभी ऐसे? देखिए संभव ही नहीं बने यहाँ पे बनना। कैसी मीनार आएगी एकदम 90 डिग्री के कोण पे? कोई टावर आएगा, टावर कैसा आएगा? बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे। ऐसे थोड़ी 20 डिग्री पे ऐसे झुका है, नहीं होता ना झुका हुआ। हाँ, ऐसे याद रखोगे आप। अब सपोज मान लो कि ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर? 90 डिग्री का। अब मान लो ये कोण आपका अगर 30 डिग्री है और ये कोण अगर 90 डिग्री है सपोज, तो ये 90 डिग्री का हमेशा रहेगा। अब ये कोणों का निर्धारण किसके ऊपर होगा? ये अगर 30 डिग्री का, तो अपने आप ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। सपोज मान लो एक समकोण त्रिभुज और है, तो इसका मान मान लो इसके अंदर ये 2 ही आया था आपका, ये 90 डिग्री का है, तो ये कोण कितने डिग्री का है? 45। और ये कोण कितने डिग्री का है? इन कोण के अलावा मान ही नहीं है। जहां पर 15 डिग्री आएगा वो मैं अलग बता दूंगा आपको नेक्स्ट टाइप के अंदर। आपको ये याद रखना है कि जो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, उसके सामने की भुजा को अगर मैं ए मानता हूं, क्या मानता हूं? ए मानता हूं,
तब 60 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो होगी आपकी ए रूट तीन। ये याद रखना है कि 30 डिग्री के सामने की भुजा अगर ए है तो 60 डिग्री के सामने की भुजा होगी आपकी ए रूट तीन। तो ये जो इसके 90 डिग्री के सामने की भुजा है वो कितनी होगी, 2a, 2 गुणा ए। ये तीन आपको याद रखनी चीज। अगर 45-45 डिग्री का कोण बन रहा है तो 45 डिग्री के सामने की भुजा अगर कितनी, वो मान लो a, तो ये भी 45 डिग्री, तो इसके सामने की भुजा भी कितनी आएगी, a। जब ये भुजा अगर a आ गई, ये भुजा अगर a आ गई, तो मैंने आपको बताया था कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, उससे निकालोगे तो ये भुजा आ जाएगी आपके रूट 2 गुणा a। बस ये दो आपको याद रखना, पूरी त्रिकोणमिति कंप्लीट है ऊंचाइयों में। प्रत्येक सवाल को आप कितने सेकंड में कर लोगे, मात्र 5 सेकंड, तो ज्यादा है, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। देखो कैसे, ये अपना क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो कि ये, इधर बता देता हूं मैं आपको, ये कितना डिग्री का दे रखा है अपने को, ये 100 मान दे रखा है, ये कोण कितने का है, 30 डिग्री का। अपने को पूंछ कौन सा रहा है, ये एच पूंछ रहा है। अब एक आइडिया लगो कि इस 30 के सामने एक भुजा क्या मानता हूं मैं, ए मानता हूं। तो ये कोण यहां पर जो कोण है वो 60 डिग्री का होगा या नहीं होगा, और जब ये कोण अगर 60 डिग्री का होगा तो 60 के सामने की भुजा क्या होती है अपनी, ए रूट तीन होती है, नहीं होती है। तो एक बात बताओ मेरे को कि ये भुजा का माप कितना दे रखा, 100, और ज्ञात क्या करना अपने को, ये ए ज्ञात करना है, और जो ए का मान आएगा वही इस एच का मान आएगा। तो ये जो ए रूट तीन है इसका मान 100 के बराबर में नहीं है क्या, तो अपने को ए का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा, 100 बटा रूट तीन। बस कुछ भी नहीं करना, ना तो टेन याद रखना, कोट याद रखना, कुछ भी नहीं रखना, आ गया यहाँ से डायरेक्ट 100 बटा रूट तीन। आया समझ में, बिल्कुल ऐसे चुटकियों में ज्यादा सवाल। सपोज मान लो इसके अंदर दूसरा दे रखा हो, जैसे कि क्वेश्चन यही है अपना, मान लो ये अगर 100 मीटर दे रखा हो, अगर मैं ये नहीं दे रहा हूँ, अगर सपोज मान लो एक सीढ़ी लगा दूँ यहाँ पर, क्या लगा दें, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बना देता हूँ मैं इसको, जैसे एक खंबा है और इस खंबे के ऊपर क्या लगा देते हैं अपन, एक सीढ़ी लगा देते हैं। अब खंबे के ऊपर सीढ़ी लगाओगे तो ऐसे खंबे के ऊपर लगाओगे सीढ़ी, जैसे दीवार है, इस दीवार के ऊपर ऐसे सटा के सीढ़ी लगाओगे, चढ़ोगे कैसे, गिर जाओगे वापस पीछे, संभव है क्या, सीढ़ी कब लगेगी दूर। जैसे मेरे को इस बोर्ड के ऊपर अगर सीढ़ी लगानी, तो इसका ऊपर का जो सिरा था वो यहाँ पे रहेगा, और इसका जो सीढ़ी के पैर वो कहाँ रहेंगे, काफ़ी दूर रहेंगे, तब आप उसके ऊपर चढ़ पाओगे। तो जैसे कि खंबा आपका, तो सीढ़ी कहाँ लगेगी, इधर लगेगी। तो मान लो कि ये आपकी क्या हो गई, सीढ़ी हो गई। अब देखो कि ये जो सीढ़ी है, इस सीढ़ी का पैर कहाँ पे है, यहाँ पर, और सीढ़ी का शीर्ष कहाँ पर है, यहाँ पर। अब इस सीढ़ी की जो टोटल दूरी है वो है मान लो 200 मीटर, कितनी मीटर की है, 200 मीटर की। और सीढ़ी के जो ये पैर है, इस पैर से लेकर के इस खंबे का पैर है, इन दोनों के बीच की दूरी है मान लो आपकी 100 मीटर। तब ये पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी, खंबे की ऊंचाई। या सपोज मान लो कि अगर ये दी नहीं हुई हो और ये भी नहीं दिया हो आपको, ये बोल रहा है मान लो कि सीढ़ी का पैर है, और ये दूरी अपने को पता नहीं कि सीढ़ी के पैर से और इस खंबे के पैर के बीच में दूरी क्या, मान लो ये दूरी एक्स है और इस दूरी का अपने को क्या नहीं है, पता नहीं है। जबकि वो जो सीढ़ी है वो कोण कितने डिग्री का बना रही है, उन्नयन कोण 30 डिग्री का बना रही हो। तो देखो दोनों में संबंध इन दोनों के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब एक आइडिया लगो कि ये कोण अगर थीटा है 30 डिग्री, तो इसके सामने की भुजा ये क्या हो गई, लंब हो गई, ये क्या हो गई आपकी आधार, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब देखो संबंध किस किस में, दोनों के अंदर है ना, किस में, एक तो कर्ण में और एक आधार में, और कर्ण और आधार में, या आधार और कर्ण में संबंध किस में होता है, कोस थीटा में होता है, नहीं होता है। तो यहां पर क्या लगाएंगे अपन, कि कोस थीटा बराबर क्या होता है आपका, आधार बटा कर्ण, क्योंकि आधार और कर्ण में संबंध आ रहा है यहां पर। तो अब यहां से देखो आधार बटा कर्ण का मतलब कोस थीटा, और कोस थीटा का मान कितना है, कोस 30 डिग्री, और आधार कितना आपका, जो अपने को ज्ञात करना मानना है एक्स, और कर्ण कितना आपका 200 मीटर। कोस 30 का मान कितना होता है, जितना साइन 60 का होता है, और साइन 60 का मान कितना होता है, रूट 3 बटा 2। तो यहां पर लिख दो आप रूट 3 बटा 2 बराबर एक्स बटा 200। मान किसका निकालना मेरे को, एक्स का, बस वज्र गुणा करके आप मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 200 रूट 3 बटा 2 बराबर एक्स, 2 से कितनी बार कट गया, 100 बार। तो एक्स का मान कितना आ गया आपका, 100 रूट
तीन, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया। अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक के ऊपर, है ना, 5 सेकंड में सवाल को करेंगे। शॉर्ट ट्रिक देखो कैसे करेंगे, सपोज मान लो आपको दे क्या रखा है, केवल और केवल ये आपका क्वेश्चन है, इसके अंदर ये दे रखा आपको 200 मीटर, ज्ञात क्या करना अपने को, ये दूरी, अरे ये चाहिए ना। अब ये कोण कितने डिग्री का दे रखा आपको, 30 डिग्री का, जब ये 30 का तो ये दूसरा कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 का। जब देखो 30 के सामने की भुजा कितनी होती है, ए होती है, और 60 के सामने की भुजा कितनी होती है, ए रूट 3 होती है, और ये भुजा कितनी होती है आपकी, 2 ए होती है, नहीं होती है। अब अपने को निकालना कौन सा, ए रूट 3 का मान। अब आप यहाँ से बताओ कि 2a का मान कितना है, 200, तो a का मान कितना आ गया, 100 आ गया, नहीं आ गया। अब ये कितना होता है, 100√3 होगा, क्यों, कि a का मान कितना है, 100, तो a की जगह रख दो 100, तो कितना आ गया, 100√3 लगाएगा समय, देखो 100√3, 5 सेकंड ही नहीं लगते सवाल को लगाने में, जादू होता है इसको, जैसे जादू के अंदर होता है ना कि ऐसे करते वो ऐसे ही ये हो गया, कबूतर बन गया, क्या बन गया, वैसे हो जाता सवाल। आया समझ में कुछ, सपोज मान लो अगर इस प्रकार से भी नहीं हो, सपोज अगर मैं यहाँ पे कोण चेंज करके दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन फर्स्ट टाइप के अंदर, जैसे सपोज मान लो ये कोई मीनार है, क्या है मीनार, और ये मीनार का क्या है, शीर्ष है, और ये मीनार का क्या है, पाद बिंदु या पैर, ठीक है। अब ये मीनार बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है 90 डिग्री के कोण पे, मैं मानता हूँ कि सपोज मान लो ये मीनार है, इस मीनार के शिखर से अगर देखो, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, अगर सवाल ऐसा आ जाएगा कि मीनार के शिखर से उसका जो उन्नयन कोण है, सॉरी अवनमन कोण है, वो दे रखा मान लो आपको 45 डिग्री, तो अवनमन कोण का मतलब मीनार के ऊपर चढ़ के नीचे देख रहा हो, है ना, सुसाइड नहीं कर रहा, नीचे देख रहा है केवल, ऐसे मत सोचना ऊपर चढ़ के सुसाइड करने की सोच रहा है, मीनार के ऊपर जाके क्या देख रहा है, वो नीचे देख रहा है ना, तो नीचे देख रहा है, इसका मतलब ये कोण कौन सा हो गया आपका, अवनमन कोण हो गया, तो ये अवनमन कोण हो गया, तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण एकांतर कोण होते हैं, नहीं होते, तो मान लो कि अगर ये कोण आपको 45 डिग्री दे रखा, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 45 का, अगर ये कोण 45 डिग्री का, तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, अपने आप 45 डिग्री का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का है, मीनार सीधी खड़ी है, तो ये कोण, दोनों कोण अगर 45 डिग्री का है मान लो, अब मान लो कि इसके अंदर ये दूरी दे रही है आपको मान लो 30 मीटर, कितने मीटर, 30 मीटर, और वो पूछ ले आपको कि इसकी ऊंचाई क्या है मीनार की, तो मीनार की ऊंचाई आराम से बता सकते हो आप, किस किस में संबंध आ रहा है यहाँ पर आपका, देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंबा आधार होता है, नहीं होता है, तो टेन थीटा की जगह कितना रखेंगे, टेन 45 डिग्री, और लंब कितना यहाँ पर जो आपको एच ज्ञात करनी मीनार की ऊंचाई, और आधार कितना है 30 मीटर, टेन 45 का मान कितना होता है, एक, तो ये लिख दो आप एक बराबर एच बटा 30, तो एच बराबर कितना आ गया 30 मीटर, तो इस मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 30 मीटर। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक निकालने हो, इस तरीके से नहीं करना हो, शॉर्ट ट्रिक इसके कितनी मात्र 1 सेकंड लगता है सवाल को हल करने में, कितना सेकंड, 5 सेकंड तो बहुत ज़्यादा हो गए। अब 1 सेकंड कैसे लगेगा, लगाओ आप यहाँ से आइडिया, जो मैंने आपको 45 डिग्री की कंडीशन बताई कि 45 डिग्री का ये कोण भी अगर 45 डिग्री का, तो 45 के सामने एक भुजा ये ए, और इस 45 के सामने एक भुजा अगर ए, तो ये कितनी होती, √2 × a। अब एक आप आइडिया लगाओ कि ये 45 इस 45 के सामने एक भुजा कितनी है 30, तो ये भी तो 45 है, तो इसके सामने भी 30 ही आएगा, हल करना ही नहीं, कुछ भी नहीं हल करना है, आ गया सवाल को देखते उतर आ गया, आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर मान लो सवाल के अंदर वो ये नहीं पूछे, और अगर ये पूछ ले आपको कि उस मीनार के ऊपर मैं सीढ़ी लगा रहा हूँ, तो सीढ़ी लगा रहा हूँ तो कैसे लगाऊंगा, इधर लगाऊंगा, तो अगर ये भुजा पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इसकी माप कितनी होगी, तो इसकी माप कितनी होगी, अगर ये 45 का, तो उधर देखो √2 × a होती है, नहीं होती, तो ये नाप कितनी हो जाएगी, जो भी यहाँ पर मान आएगा उसका कितना गुणा कर दो, √2 × 2, तो इसका मान कितना आ जाएगा 30√2, कितना आ जाएगा 30√2, बस चुटकियों के अंदर सवाल हल हो जाता है, समझ रहे हो। अब इसकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट टाइप, यहाँ तक नोट करो।